आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट और ह्यूमन कंफर्ट। एयर कंडीशनिंग की जो वर्किंग है वो हमने देखी, एयर कंडीशनिंग का वर्किंग पूरा हमने देख लिया है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो भी हमने देख लिया है। एयर कंडीशनिंग बेसिकली क्या करता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कहाँ तक लाएगा, कंफर्ट जोन तक लाएगा, राइट। अभी ह्यूमन कंफर्ट क्या है, ह्यूमन कंफर्ट मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट कर सके, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब क्या होता है, वो अब हम देखें। अभी हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। जो ह्यूमन कंफर्ट है वो जो हमारा थर्मल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट में हम बात करें तो फर्स्ट है इफेक्टिव टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए इफेक्टिव जो है। इफेक्टिव टेम्परेचर के अंदर हम बात करें तो इफेक्टिव टेम्परेचर अराउंड 22 आउंस सेल्सियस टू 25 आउंस सेल्सियस तक रहता है। बाद में जेंडर के हिसाब से भी होता है, जैसे मेन है तो उसका कंफर्ट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेडीज होती है उसका कम होता है, बराबर, ये एक नोट कर लेना। बाद में एज के हिसाब से भी डिपेंडिंग होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसका जो कंफर्ट टेम्परेचर है हमसे भी ज़्यादा है, यंग जो है उसके हिसाब से। और जो ओल्ड पर्सन है उसका कंफर्ट टेम्परेचर कम होता है। तो आपको पता हो तो जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, अब न्यूज़ भी देखते हो तो क्या होता है कि समर या विंटर होता है ना, तो कितने सारे जो रोड पे रहते हैं उसका डेथ होता है, तो इसकी वजह से ये होता है। इफेक्टिव टेम्परेचर में एक आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है और वेट बल्ब क्या है उसकी हम बात करें। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब जो हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रेडी। और वेट बल्ब में क्या आता है कि उसके अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर पार्टिकल है उसका भी कैलकुलेशन होगा और उसको क्या कहते हैं हम, वेट बल्ब टेम्परेचर। दोनों एक टाइप के थर्मोमीटर ही है, डायरेक्टली मेजर होते हैं, रेडी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का थर्मोमीटर डिफरेंट आता है, वेट बल्ब का भी डिफरेंट आएगा, ओके। बाद में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर, एयर के अंदर कितने वाटर पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो ऑलवेज परसेंटेज में आता है, 10% से 100% तक आता है, रेडी। बाद में एयर वेलोसिटी मतलब कि एयर का फ्लो कितना है, जैसे समर आता है तो समर में कई बार कैसा होता है कि एयर का फ्लो होता ही नहीं है। एयर का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो हीट करती है, तो हीटिंग जितना भी हम रूम पे रहते हैं तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा रूम है वो हीट करेगा, रेडी। तो एयर वेलोसिटी भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है इफेक्टिव टेम्परेचर, उसके अंदर ड्राई बल्ब टेम्परेचर आता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना रहता है ये नोट करना, 22 टू 25 आउंस सेल्सियस, रेडी। बाद में जो एयर वेलोसिटी है वो कितनी रहनी चाहिए, 5 टू 8 मीटर पर मिनट एयर, रेडी। बाद में थर्ड कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी रहनी चाहिए, तो 40-60%, रेडी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो इसके हिसाब से एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम बनता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट चार्ट।
जीटीओ की एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है 7 मार्क्स में। तो ये देखते हैं ह्यूमन कंफर्ट चार्ट में क्या आता है। ह्यूमन कंफर्ट चार्ट मतलब कि ह्यूमन को कितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कितना वेट, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सभी का कॉम्बिनेशन करके जो मैंने जो ये डेटा आपको दी है वो इसके हिसाब से ही आए। कैसे होता है हम बात करते हैं। चलो ह्यूमन कंफर्ट चार्ट वेट बल्ब टेम्परेचर वर्सेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, 0 से स्टार्ट होगा 32 तक, 0 से स्टार्ट होगा 38 तक, ज़्यादा भी हो सकता है। रेडी। बाद में जो RH लाइन है, बराबर, जो इंक्लाइन लाइन जितनी भी है, देखो 0% 10% से यहाँ से स्टार्ट होता है 10 से 100 तक, वो क्या है, ह्यूमिडिटी। रेडी। सेम ये विंटर सीजन है, विंटर सीजन में भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्राई बल्ब और वेट बल्ब अलग से ही दिया है, पूरा अलग से ही दिया है। सब विंटर का अलग है, समर का अलग है, और जो बीच में जो दिया हुआ है वो ऑल अराउंड है। रेडी। तो हमको पता है कि अगर समर आता है तो समर का हमारा बॉडी कितना टेम्परेचर एक्सेप्ट करेगा, जितनी भी ठंड ज़्यादा लगेगी उतना अच्छा रहेगा। समर में हम ऐसा करते हैं, विंटर में क्या होता है, जितनी हमको गर्मी ज़्यादा लगेगी उतना अच्छा है। रेडी। तो विंटर में क्या होगा, विंटर में वाटर पार्टिकल जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो विंटर का ग्राफ जो है, देखो ये कर्व टाइप का ग्राफ में देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ तक पहुँच गई है, 90 to 100%, अराउंड 80 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। बाकी टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर कितना है देखो, 18 से 22 के बीच में है, बराबर। कंफर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा। रेडी। बाद में हम समर के देखते हैं, तो समर का क्या है, समर का देखो कितना है, फ्लक्चुएट कितना होता है, 10 से स्टार्ट होगा 100 तक, बाद में वापस डाउन होगा, स्टार्टिंग में कम रहेगा, बीच में जो समर आता है उसमें हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बाद में कम होती जाएगी। रेडी। तो ये है समर का। तो इन दोनों को मिक्सअप करके हमने ईयर अराउंड कंफर्ट जोन एक फाइंड किया है। तो कंफर्ट जोन जो बीच में जो है वो क्या है, कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन का आप देखो कितना है, कंफर्ट जोन 30 to 70 में डाला है, 30 to 70 में डाला है कंफर्ट जोन। बट इससे भी एक्यूरेट हम करें तो कितना होगा, 40 to 60, 40 से 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कंफर्ट जोन में आएगी, बराबर। अब हम बात करें तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, देखो 20 to 24, कितना है 20 to 24। अगर हम एक्यूरेट करें, दोनों में से एक एक निकाल दो, कितना होगा, 21 to 23 आउंस सेल्सियस अराउंड। रेडी। अगर हम वेट बल्ब करें तो वेट बल्ब कितना होगा, 10 से 18, मतलब 12 से 16 आउंस सेल्सियस। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट जैक, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी। बाद में हम बात करें कि हीट प्रोड्यू हीट बाद में हम बात करें हीट प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हीट का प्रोडक्शन होता है और उसका हम रेगुलेशन कैसे करते हैं उसकी बात है। बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं तो हीट एंड मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, हमको पता है कि हीट का प्रोडक्शन करेगा, हीट आएगी। अगर हमारा पूरा रूम पैक है तो 5-10 मिनट लगेगी तो हमको पसीना आने लगेगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे हीट, हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है इसलिए। रेडी। बाद में जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितना भी पानी है, पानी पसीने से बाहर निकलता है तो वो क्या है, मॉइस्चर
लॉस वहाँ से हमारा होता है। थोड़ा टाइम हम ज़्यादा रहेंगे तो मॉइस्चर लॉस भी होगा। रेडी, बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। मॉइस्चर कितना एयर में रहना चाहिए उसकी बात करते हैं। सेम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही हम बात करेंगे, बराबर। और कितने सारे जो लोग होते हैं वो मॉइस्चर में रह नहीं सकते। अगर आप देखो तो कितने सारे लोग होते हैं जो मॉइस्चर वाला जो एरिया है उसमें जाते हैं तो उसका जो वॉइस होता है तो थोड़ा दब जाता है या उसको वीकनेस आ जाती है। तो मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारे घर में कूलर रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसमें कंट्रोल नहीं है, और जब हम एसी रखेंगे तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग एसी प्रीफर करते हैं। रेडी, एसी और कूलर इन दोनों में यही डिफरेंस है। रेडी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एयर। इसके लिए हम फिल्टर रखते ही है। जो कूलर में फिल्टर नहीं आएगा एसी में फिल्टर आएगा, इसके हिसाब से भी ये करना पड़ता है, बराबर। मेन इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब भी उसका बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाद में डस्ट है, तो जो फिल्टर होता है वो उसको नेग्लेक्ट करता है, कूलर में नहीं होता है। एयर मोशन है अराउंड कितना, 8 to 12 मीटर पर मिनट। रेडी, एयर मोशन इतना तो रहना ही चाहिए। बाद में कोल्ड एंड हॉट सरफेस जो आती है, और ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सभी हमने किसके देखे, ह्यूमन कंफर्ट के लिए, बराबर। बाद में एयर सेटिस्फेक्शन है वो भी हमने देखा। रेडी, तो ये जितने भी पॉइंट है वो सभी किस में आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट में ही आएंगे, बराबर।